देखो ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस करेंगे कुछ, और फिर उसके बाद मेथड ऑफ इंटरवल, तो उसमें तुम्हारा डाउट आ जाएगा अभी जो तुमने पूछा हुआ है व्हाट्सएप पे। ठीक, तो लिखो इसमें क्वेश्चन ये है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन देन फाइंड द इक्वेशंस इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, देन फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर फर्स्ट पार्ट में 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर। फिर उसके बाद यहां पे अल्फा स्क्वेयर प्लस बी एंड बीटा स्क्वेयर प्लस बी, 1 अपॉन α² + b, कॉमा 1 अपॉन β² + b, ये जिसके रूट से वो इक्वेशन निकालना है। एंड फिफ्थ में है α+1 एंड β-1। हाँ सही है मेरा पहले का। बहुत सारे लोगों ने एग्जाम नहीं दिए, रीजन क्या था? सर सब लोग एनटीएससी के क्लासेस नहीं करते। अच्छा सब लोग नहीं करते, ओके okay। सही है ओम। इसको ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना, ठीक है। फिफ्थ वाले को हम ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं क्या? फिफ्थ वाले को हाँ ठीक है, ऐसा सिमेट्रिक नहीं तो नहीं कर सकते आप। तो फोर्थ तक बस ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। तो पहला देख लो, जिनको याद नहीं आ रही चीजें, तो पहले में ट्रांसफॉर्मेशन से करना, हमें सिमेट्रिक दिख रहे हैं, अल्फा बीटा इसके रूट से,
और हमें इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स 1/α 1/β है। तो हम क्या करते थे, एक इक्वेशन मान लेते थे y में, तो वहां से हमें मिल जाता था y1 एक रूट 1/α, y2 दूसरा रूट 1/β। एंड ये अल्फा एंड बीटा किसकी वैल्यूज थी, स्मॉल x की, जो इसको क्या कर रही थी, सेटिस्फाई। तो उसी से हम y एंड x में रिलेशन ला सकते थे, कौन सा, y इज इक्वल टू 1/x, है ना। x की जगह पे अल्फा पुट करने पे y1 एंड x की जगह पे बीटा पुट करने पे y2 दोनों रूट्स मिल जाएंगे। तो ये x एंड y में रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू y, मतलब x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना होता है, तो x इज इक्वल टू 1/y आ जाएगा, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, हम जो x में इक्वेशन था वहां पे पुट कर देंगे x की वैल्यू जो भी आई हुई है 1/y। तो ये बन जाएगा 1/y² प्लस a/y प्लस b इज इक्वल टू 0। तो अभी बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है क्या, अभी एज इट इज रखा तो बताओ। No. नहीं है तो हमें तो पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको पॉलिनोमियल बना लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ay प्लस by² अपॉन y² इज इक्वल टू 0। तो इस y² को क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसल आउट कर देना। तो 1 प्लस ay प्लस by² इज इक्वल टू 0। एंड फाइनली क्या करेंगे, सिंपली y को x से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। y को सिंपली x से रिप्लेस कर देना है। तो bx² प्लस ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स रहेंगे 1/α एंड 1/β। तो एक बार तुम इसको कंपेयर करो, ये रिजल्ट याद भी रखना होता है कभी कभी, डायरेक्टली इसकी जरूरत पड़ती है। इसके रूट्स है अल्फा बीटा, और ये 1/α एंड 1/β अल्फा बीटा के क्या रेसिप्रोकल्स है। तो ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स रेसिप्रोकल्स है, तो क्या करना होगा, सीधा दोनों को कंपेयर करो। ये गिवन इक्वेशन है, मान लो गिवन इक्वेशन है, और हमें ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स क्या है, इस गिवन इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल्स है। मान लो यहां पे ऐसा रहता, यहां पे ए रहता, यहां पे बी और यहां पे सी, और ना इसी को पहले कंपेयर करो और बताओ क्या हो रहा है यार इन दोनों को कंपेयर करके। सर आपको लास्ट वाली स्टेप एक बार फिर से बता सकते हो क्या, इसमें यहाँ से? हाँ हाँ सर, कुछ नहीं, सिंपली वाई को एक से रिप्लेस कर देना, इतना ही है और कुछ भी नहीं, ज्यादा मत सोचना पीछे का, ठीक है। वाई तो हमारा 1/x था, ऐसा क्यों किया, ऐसे मत नहीं, फिर से वही इक्वेशन बन जाएगा। फिर हमें तो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स 1/α 1/β, तो y को x से रिप्लेस कर दिया, तो ये इक्वेशन है जिसके रूट्स 1/α 1/β, ठीक है। ओके तो ये देख लेना, अगर हमें ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स रेसिप्रोकल है गिवन इक्वेशन के रूट्स के, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट टर्म एंड x का x² का कोएफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। देख लेना, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 1 है, कॉन्स्टेंट टर्म b है, तो वो आपस में इंटरचेंज हो गया और x का कोएफिशिएंट एज इट इज रहेगा। हुआ ऐसा, ठीक है सर। तो ध्यान रखना ये, डायरेक्टली बोला जाता है कि इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो इसके रूट्स बताओ क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अभी तो हमने क्या निकाला है, जिसके रूट्स 1/α 1/β है वो इक्वेशन निकाला है। अब हमें क्या गिवन रहेगा, कभी कभी इक्वेशन गिवन रहेगा एंड बोला जाएगा कि इसके रूट्स बताओ अल्फा बीटा के टर्म्स में, तो ये एक पॉइंट काम में आ सकता है, उस वक्त बहुत इजीली आंसर निकल जाएगा इसका, ठीक है। ध्यान रखना है रेसिप्रोकल वाला, कि x² का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो पहला क्लियर है सभी लोगों को? यस सर, यस सर। दूसरा करो जल्दी से, दूसरे में रूट से α² एंड β² वो इक्वेशन निकालो।
स्क्वेयर वगैरह करने की जरूरत पड़ सकती है यहाँ पे, तो कर देना। पावर होल नंबर बनाने के लिए पॉलिनोमियल बनाना होता है ना, अभी अगर हमने इसको बोला ये पॉलिनोमियल नहीं है, पावर होल नंबर नहीं, यहाँ पे उसको बनाना पड़ेगा, चाहे स्क्वेयर करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, जो भी करना है करो तुम, और वहां पे पावर होल नंबर लाओ। कितने लोगों का आ गया सेकंड? हाँ सही है सिद्धि, ओम। नहीं मंदार, वहां पे वो जो रूट एक्स है उसकी वजह से वो अब उसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हम, ठीक है? तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें वो स्क्वायर वगैरह करना पड़ेगा, तो देख लो सेकंड सेकंड में। अब अल्फा स्क्वायर मतलब वाई वन इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एंड वाई टू इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से वाई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट वाई, मतलब प्लस रूट वाई ले सकते हो या माइनस रूट वाई, तुम्हारे ऊपर है, तो प्लस रूट वाई ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो अब इस एक्स की वैल्यू वहां पे पुट कर दिया हमने ओरिजिनल, तो रूट वाई का स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसके बाद ए इंटू रूट वाई प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो ये वाई प्लस बी और ये प्लस ए इंटू रूट वाई, इसकी पावर अभी ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा हमें, मतलब पावर होल नंबर बनानी पड़ेगी। तो ये देखो इसकी पावर आ रही है फ्रैक्शन में, तो उसको एक तरफ लेके चले जाएंगे और स्क्वेयर कर देंगे दोनों तरफ, तो y प्लस बी माइनस ए इंटू अंडर रूट वाई, अब दोनों तरफ स्क्वेयर कर देंगे तो y प्लस बी का होल स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर आ जाएगा ए स्क्वेयर इंटू वाई, और यहाँ पे ये वाई स्क्वेयर प्लस टू बी वाई प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू वाई, एक तरफ जब लेके आ जाएंगे तो ये देख लो y स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट है 2b माइनस a स्क्वायर इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर, पावर देख लो होल नंबर है, अब ये पॉलिनोमियल है, ठीक है? अब इसके रूट्स कौन से रहेंगे, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, तो फाइनली क्या करेंगे हम, y को x से रिप्लेस कर देंगे, तो ये इक्वेशन है जिसके रूट्स है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ठीक है? क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट में रूट्स देख लो, जिन्होंने नहीं देखे है, रूट्स है अल्फा स्क्वायर प्लस बी एंड बीटा स्क्वायर प्लस बी,
अल्फा स्क्वायर प्लस बी एंड बीटा स्क्वायर प्लस बी। हाँ सिद्धि सही है, ओम सही है। बाकी लोग भी सॉल्व करो ठीक है, अगर यही पे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सब यही पे प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर क्लास नोट जब रिवाइज करोगे तो कम टाइम में हो जाएंगे। क्लास नोट्स करते हो ना तुम हर दिन रिवाइज, जिस दिन पढ़ाया जाता है उसी दिन? हाँ सही है ओम। थर्ड आ गया तो फिर फोर्थ तो बहुत आसानी से आ जाएगा। हाँ सही है मेरा थर्ड। तुम भी नहीं करते हो क्या ओम एनटीसी की क्लासेस? नहीं सर। नहीं शौनक इतना बड़ा नहीं आएगा। हाँ मंदार, मंदार ने कुछ तो गलती कर दी, वो कांस्टेंट टर्म ए स्क्वेयर इंटू बी आती है, अगर कुछ टाइपिंग में गलती हुई होगी, बाकी तो सब सही लग रहा है। जो टाइम टेबल में ओ एन लिखा हुआ है इसका मतलब ऑफ है क्या वो? नहीं सर, उधर फ्री आप वो तो फिर उधर मॉनसून ब्रेक है सर, एम ओ एन एस डबल। अच्छा वो पूरा कुछ ज्यादा ही दिमाग चलाते हो खन्ना सर। हाँ सोच रहा हूँ ये ओ एन क्या दिख रहा है मेरे को। मानसून ब्रेक, अच्छा ठीक है। सही है मेरा फोर्थ का। हाँ सही है प्रणव थर्ड का। चलो देख लो। हाँ उसका रेसिप्रोकल था। देखो ये इसका रेसिप्रोकल तो थर्ड आ गया तो फोर्थ आ जाएगा। बताया ना रेसिप्रोकल के लिए क्या करते हैं, बस कांस्टेंट टर्म है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करते हैं। चलो देख लो अब ये कौन सा थर्ड। थर्ड में उसको और आसानी से किया जा सकता है, तुमने तो ये करके किया होगा वाई वन इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा एन। वो थोड़ा अलग तरीके से जाएंगे, यहाँ पे अल्फा उसका रूट है तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी सेटिस्फाई करेगा, एंड बीटा स्क्वायर प्लस ए बीटा प्लस बी ये हमें मिलेगा। तो यहां से देख लो अल्फा स्क्वायर प्लस बी कितना आ जाता है, माइनस ए अल्फा, बीटा स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ए बीटा, ये आ जाएगा बहुत आसानी से बन जाएगा। देखो अल्फा वाई वन कितना है, माइनस ए अल्फा, वाई टू कितना है, माइनस ए बीटा, कुछ नहीं अब सिंपली। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ए एक्स, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस वाई बाय ए।
अब उसको पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस का स्क्वेयर प्लस हो जाएगा माइनस ए इंटू वाई बाय ए प्लस यहाँ पे बी इज इक्वल टू जीरो एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो ये वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाई प्लस ए स्क्वेयर बी इज इक्वल टू जीरो एंड सिंपली वाई को एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो एक्स स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वेयर इंटू बी इज इक्वल टू जीरो तो ये वो इक्वेशन आ जाएगा। इसका भी इसकी भी एलसीएम बहुत इजीली आंसर आ जाता है कम स्टेप में, उसमें स्क्वेयर वगैरह करना पड़ेगा हमें ध्यान रखना, क्यूबिक में ये सारी चीजें बहुत यूज होती है। तो क्लियर है थर्ड? यस सर। चलो ठीक है नेक्स्ट। नहीं ओम फिफ्थ का बहुत बड़ा आएगा, ठीक है फिफ्थ का बड़ा आएगा, इतना आसान नहीं है भले ही वो एक्स का कोएफिशिएंट सही निकाला है, कांस्टेंट टर्म गंदी आती है उसमें फिफ्थ में। फिफ्थ में अल्फा प्लस वन एंड बीटा माइनस वन है, ठीक है अल्फा प्लस वन एंड बीटा माइनस वन। अब एक बार थर्ड आ गया तो फोर्थ आ जाएगा, फोर्थ के लिए बस क्या करना है, वैसे मेरे ख्याल से अब तुम डायरेक्टली अगर फोर्थ भी गिवन रहता तो कर सकते हो, बस उसमें क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस वन बाय ए एक्स ये आ जाएगा है ना। तो उसमें फोर्थ में ये देख लो वाई वन इज इक्वल टू माइनस ए माइनस वन बाय ए एक्स एंड वाई टू इज इक्वल टू माइनस वन बाय ए कितना सॉरी ये ए अल्फा एंड ये ए बीटा आ जाएगा, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू माइनस ए माइनस वन अपॉन ए एक्स ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से x इज इक्वल टू है माइनस वन बाय ए वाई पुट कर देंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस वन बाय वाई प्लस बी इज इक्वल टू जीरो तो एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो ये वन माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस ए स्क्वायर इंटू बी इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, फाइनली वाई को सीधा एक्स से रिप्लेस तो ये ए स्क्वायर बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो ये वो इक्वेशन आ जाएगा फोर्थ का, ठीक है। तो फिफ्थ का वही आ रहा है? हाँ अच्छा फिफ्थ का एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी यही आ रहा है सर, मैंने भी वही भेजे। नहीं 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 गलत होगा तुम्हारा, देख लो चलो आपको व्हाट्सएप पे भेजे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में बीटा प्लस वन क्यों ले लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में बीटा माइनस वन ही आएगा ना, रूट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, ठीक है। सर पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो बी आता है ना अगर एक्स की वैल्यू जीरो पुट की तो। हाँ हाँ इधर इधर जो तुमने लिखा है मुझे एक्स की वैल्यू जीरो पुट की, ऐसे थोड़ी तुम गलत जा रहे हो, ठीक है इधर देख लो फिफ्थ वाला, ठीक है जो तुमने लिखा है ना एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो इसका जब एक्सप्रेशन बनाएंगे तो उसके फैक्टर्स क्या आएंगे बताओ, फैक्टर्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा आएंगे ना, ये उसके फैक्टर्स आएंगे, ठीक है तुमने वो गलत लिखा वहां पे, ठीक है। वो फिफ्थ में देख लो
इसमें तो ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं लगेगा, इसमें वही बेसिक तरीका, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस है, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना है बी, इसकी हेल्प से हमें अप्रोच करना पड़ेगा। तो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स ये है अल्फा प्लस वन प्लस बीटा माइनस वन, तो ये अल्फा प्लस बीटा आ जाएंगे तो माइनस है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो ये आ जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस वन इंटू बीटा माइनस वन, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस वन, तो ये अल्फा बीटा तो बी है, बी माइनस वन, एंड यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स किसके इक्वल रहता है बताओ, अंडर रूट डी बाय ए के इक्वल रहता है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट डी, डी कितना आएगा इस इक्वेशन में, ए स्क्वायर माइनस फोर बी एंड अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो तो वन है, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट्स। अब बस उसको उठा के पुट कर देना है इस पूरे वैल्यू को, तो जो इक्वेशन है देयरफॉर इक्वेशन आएगी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ये कितना है बी माइनस वन प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस फोर बी, तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स के अल्फा प्लस वन एंड बीटा माइनस वन, क्लियर है? Yes. चलो पीछे का पेज एक मिनट देखा सकते हैं। हाँ ये लो, ये वाला ना फोर्थ वाला। Yes sir. हाँ ठीक है, लिख लो इसको। सर फिफ्थ वाला, सॉरी। ठीक है ये लो। तो ये कहाँ से लिखा है, ये डिफरेंस ऑफ रूट से लिखा है, डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है अंडर रूट डी बाय ए, ये यहाँ पे क्या रहता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एनी इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है वन है, तो इसीलिए मैंने बोला था वो लैंग्वेज के फॉर्म में याद रखना, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल रहता है माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रहता है कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन चेंज करके भी दिया जा सकता है, वो जो हमने माइनस बी बाय ए देखा था वो किसके लिए था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के लिए, यहाँ पे इक्वेशन चेंज है, एक्स का कोएफिशिएंट ए है तो सम ऑफ रूट्स आ जाता है माइनस ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बी, तो ट्रांसफॉर्मेशन में किसी को कोई डाउट, इक्वेशन निकालना आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। हाँ सर। चलो ठीक है, क्यूबिक में इसका बहुत अच्छे से यूज समझ में आएगा तुम लोगों को, अभी तो तुम डायरेक्टली भी जा सकते हो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से। अब हम उल्टा जाते हैं सर, एक बार अगला वाला पेज दिखा। हो गया? हाँ सर। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं अब उल्टा, हमें इक्वेशन गिवन रहेगा और उसके रूट्स अल्फा बीटा के टर्म्स में बताने होंगे, तो लिखो क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन ये है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, then find the roots of equation, then find the roots of equation, roots of equation a cube x square
प्लस ए बी सी इंटू एक्स प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू जीरो इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा, इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। तो इसको करने का बेसिक तरीका देख लो तुम लोग। अब एक दो क्वेश्चन जब हमने पीछे देखे उसको भी उल्टा करके देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तरीका देख लो तुम। अब हमें यहाँ पे इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा पता होगा क्या होता है ए एंड बी के टर्म्स में, तो वो होता है माइनस बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा वो सी बाय ए होता है, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में भी बी बाय ए एंड सी बाय ए लाएंगे, और b बाय ए एंड c बाय एक बार आ गया तो b बाय ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे, तो माइनस इधर आके माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये पुट कर देंगे, एंड c बाय ए की जगह पे अल्फा बीटा वो पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में वो अल्फा बीटा आ जाएंगे, देन उसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के बाद हमें जो भी रूट्स मिलने वाले वो अल्फा बीटा के टर्म्स में मिलेंगे, ठीक है। तो ये देख लो, अब अगली स्टेप क्या रहने वाली है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है। अब इस इक्वेशन में हम बनाएंगे b बाय ए एंड c बाय ए, ठीक है। तो तुम लोग बताओ b बाय ए एंड c बाय ए कैसे बनाया जाएगा, मतलब इसकी पावर आने दो, कुछ भी स्क्वेयर आने दो, b बाय ए का स्क्वेयर आने दो, क्यूब आने दो, c बाय ए का स्क्वेयर क्यूब आने दो, लाए कैसे बताओ, क्या करें इसके लिए, इसको कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा तो कर सकते हैं हम वहां पे, बताओ क्या करें। क्या ए क्यूब से डिवाइड करने पे वो बनेगा क्या, बोलो। चलो देख ही लो तुम लोग यहाँ पे पहला वाला। यस सर। हम क्या करेंगे, डिवाइड डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए क्यूब, तो उससे डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए क्यूब तो कैंसल आउट, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। ए बी सी को एक्स क्यूब, एक क्यूब से डिवाइड करेंगे तो एक कैंसल आउट हो जाएगा, एंड बी सी बाय ए स्क्वायर इनटू एक्स, एंड यहाँ पे आ जाएगा सी क्यूब अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू जीरो। तो ये देख लो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, इसको हम बी बाय ए इंटू सी बाय ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं इंटू एक्स प्लस सी बाय ए का होल क्यूब। अब हम क्या करेंगे, b बाय ए एंड c बाय ए को अल्फा बीटा के टर्म्स में पुट कर देंगे यहाँ पे, तो c बाय ए तो अल्फा बीटा है, एंड b बाय ए कितना है माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा वो पुट कर देते हैं। तो ये देख लो एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा का क्यूब, क्योंकि c बाय ए का क्यूब आ रहा है ना यहाँ पे, तो अल्फा इंटू बीटा का क्यूब आ जाएगा। तो ये आ गया, अब इस अल्फा बीटा को अंदर मल्टीप्लाई या ये से लिखते हैं स्प्लिट करके, अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर इनटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करके, प्लस अल्फा क्यूब इनटू बीटा क्यूब। तो देखो अब ये फैक्टराइज हो जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, पहले वाले में से एक्स, इन दोनों में से बचेगा एक्स माइनस, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर, ये जब कॉमन आ जाएगा तो अंदर में बचेगा एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा। तो ये देखो अब यहाँ इस पूरे में से एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा कॉमन, और अंदर में बचा रहेगा एक्स माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो देख लो एक रूट तो क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा, एंड दूसरा रूट क्या आ जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर, तो दो रूट्स आ गए इसके, ठीक है, अल्फा बीटा के टर्म्स में। क्लियर है ये, बताओ। ये बेसिक तरीका है, इससे तुम कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। कभी कभी वो जो पॉइंट मैंने बताया था कोएफिशिएंट्स को ऑब्जर्व करना होता है, अगर वो दिख रहा है कि बस एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म को इंटरचेंज किया गया तो सिंपली रूट्स क्या है 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, तो हमने क्या किया बी बाय ए एंड सी बाय ए बनाया उस इक्वेशन में, फिर b बाय ए की जगह पे माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड c बाय ए की जगह पे अल्फा बीटा पुट कर दिया, तो उससे वो आगे फैक्टराइज भी हो गया और अल्फा बीटा के टर्म्स में हमें उसके रूट्स मिल गए।
तो लिख लो इसको। पीछे वाले में से भी कोई भी एक इक्वेशन तुम उठा सकते हो। अगला वाला पेज हो गया। हाँ सर। तो पीछे में से कोई भी एक इक्वेशन उठा के तुम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते हो, उसको थोड़ा अलग तरीके से करना है। तो क्वेश्चन ये है, If alpha beta are the roots of equation, alpha beta are the roots of equation x minus a into x minus b plus c is equal to zero, x minus a into x minus b plus c is equal to zero, then roots of the equation x minus alpha into x minus beta minus c is equal to zero are, a option है a comma b, माइनस ए माइनस माइनस ए कॉमा माइनस बी, सी ऑप्शन है ए कॉमा माइनस बी, एंड डी ऑप्शन है माइनस ए बी। थोड़ा अलग तरीके से करना है, ये इससे पत्तू में दिख जाएगा कि ये फैक्टर के फॉर्म में लिखा है तो किसकी हेल्प लेनी होगी। नाइस, मेरा गलत है, वो मल्टीपल सिंगल करेक्ट है।
किसी का आया क्या? हाँ सही है शौनक। नहीं प्रथमेश, चलो देख लो यहाँ पे। इस इक्वेशन के रूट्स है अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो इसका एक्सप्रेशन बनाना अगर हमें होगा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस सी, तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा अल्फा बीटा के टर्म्स में? अल्फा बीटा रूट्स है तो फैक्टर्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा है कि नहीं? और हमें कौन से इक्वेशन के रूट्स बताने हैं? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस सी, तो हम क्या करेंगे उस सी को इधर लेके आ जाएंगे। तो ये देख लो, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। तो ये देख लो, ये जो एक्सप्रेशन है अभी, यही एक्सप्रेशन है ना, इसी के तो हमें रूट्स बताने हैं इक्वेशन बना के। अभी तो ये एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या है? एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। देयरफोर इसके जो रूट्स है, वो क्या आ जाएंगे? ए बी आ जाएंगे। बताओ। सर हाँ, तो इसका आंसर सर है ए। मैंने भी यही आंसर दिया था। अच्छा ए बी, मुझे लगा ए बी ऑप्शन बोल रहे हो, इसीलिए मैं बोल रहा सिंगल करेक्ट है ये, मुझे लगा वो। ठीक है सही है फिर। तो इतने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। ये तो अभी हमने क्वाड्रेटिक के लिए देखा है, जैसे हायर डिग्री के इक्वेशंस देखेंगे तो उसमें भी ये फिर से आएगा। सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन वहां पे डिग्री थोड़ी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो उसको हम उस वक्त देख लेंगे। अभी तो नया टॉपिक शुरू करना था, मेथड ऑफ इंटरवल रहने देते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे अब्सेंट दिख रहे हैं। तो जो भी है जिनको पता नहीं था ये टाइम टेबल का, तो तुम बता देना जो भी तुम्हारा दोस्त होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड ऑफ इंटरवल देखेंगे। भले ही उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते एडवांस मेंस में, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कोई भी इनइक्विटी का क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें मेथड ऑफ इंटरवल ही हमें लगानी होगी। ठीक है, तो एक तरीके से वो बेसिक्स बोल सकते हो तुम। जो भी क्वेश्चन है, जैसे क्वाड्रेटिक में भी अभी नेचर ऑफ रूट्स में डी पॉजिटिव डी निगेटिव, इसमें उसकी हेल्प आती है। फिर ग्राफ में डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव निगेटिव, उसके लिए आगे फिर हम एफ एम टू पढ़ेंगे। कैलकुलस में पूरा वही रहेगा, 12th में है वो, अभी नहीं है, तो उसको अभी हम परफेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मेथड ऑफ इंटरवल होगा, उसके बाद हम आएंगे नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। ठीक है, तो जो भी आज अब्सेंट है वो टाइम टेबल के इस वजह से
मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनको बता देना तुम लोग, ठीक है? हाँ बोलो शोनो। सर आपको डाउट का प्लीज आंसर बता दीजिए। अच्छा डाउट का आंसर का, चलो ठीक है। तुम्हें आता है क्या लेकिन मेथड ऑफ इंटरवल? हाँ सर मैंने पढ़ा है। तो उसमें बस सिंपली ये है, बाकी लोग जा सकते हैं, इसको मैं बता देता हूँ उसका डाउट।